हम जनगणना की तरफ से आए हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? नमस्ते मैडम, आइए बैठिए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जो पूछा वो बताइए, परिवार में कौन कौन है? हम तीन है परिवार में, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है और एक मैं हूँ। क्या उम्र है उनकी? उम्र बेटी की तो 20 साल है और बेटा की 25 साल और मेरी वही ऐसे ही हो, 60 साल उम्र। अरे खांसी, अरे बेटा, मैडम खांसी, पानी ला, पानी अभी लाई, अभी लाई, पानी लेकर आ। तुम्हें क्या लगता है मैं ट्यूबवेल का पानी पीऊंगी? तुम्हें पता भी है मैं कौन सा पानी पीती हूँ? फिल्टर का। और एक बोतल ना 50 रुपए की आती है। तुम लोगों को वैसे क्या ही पता होगा कि फिल्टर का पानी होता कैसा है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। आपको खांसी हो रही थी इसलिए मैं आपके लिए पानी लेके आई। और ये साफ पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, हम लोग भी यही पानी पीते हैं। तो तुम लोग पियो ना वैसा पानी, मैं नहीं पीती ऐसा पानी। तुझे क्या लगता है तू मुझे पानी दे रही थी, अपना गला और खराब कर लूं मैं? माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता कि आप ऐसा पानी नहीं पीते। तुम जैसे नीची जात के लोग ना ऐसे ही होते हैं, बड़े लोग देखे नहीं उनसे रिश्ते बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आई बड़ी घटिया नीच किस्म के लोग। मैडम आप रुकिए, मैं पानी मंगाता हूँ ड्राइवर को बोल के। सुंदरम पानी लेके आओ, आ रहा है। एक सेकंड, ये फाइल कैसे उठाई तूने? नीचे रख। नीचे गिर गई थी ना, गंदी हो गई है। नीचे रख। करुण फाइल उठाओ। तूने फाइल छूके ना गंदी कर दी है। नहीं बड़ी, मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। वैसे तुम लोगों को क्या पता फाइल के बारे में, गवार हो। अरे आ गया बेटा। जी बाबूजी, मैं आ गया और मैंने खेतों में पानी भी लगा दिया। वैसे मेम साहब कौन है? भैया वो जनगणना वाले आए हैं। क्या जनगणना वाले? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। तुमने अपने बाप को सिखाया नहीं है क्या कि बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है? बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। क्या मेम साहब, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। बहन क्या बोल रही हैं ये? भैया वो मेम साहब को खांसी हो रही थी तो मैंने ट्यूबवेल का पानी ले आई और इन्होंने कहा कि ये वैसा पानी नहीं पीते जैसा हम लोग पीते हैं। हमारी जात के बारे में काफ़ी बातें करी, पापा ने बस संभाली के लिए हाथ ही लगाया था और इन्होंने बहुत गुस्सा किया, बहुत कुछ सुनाया हमें। मेम साहब बुरा मत मानिएगा पर आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अगर आप ही ऊंच नीच और जात पात की बातें करेंगे तो। खैर आपको जो जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई? हाँ मिल गई। साइड हटो। बहन मैं अभी आया। बैठिए। मेम साहब ये शायद आपके पैसे हैं, वहाँ नीचे गिर गए थे। थैंक यू सो मच। सुनिए देख, अब तू मेरे गिरे हुए पैसे लेके आया है तो इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं तुझे भीख दूंगी। मेम साहब मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए ना ही कोई भीख चाहिए। देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं ना, और आपके पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है जब आप ऊंच नीच और जात पात की बातें करते हैं। तो अभी मेरी बहन ने आपको पानी दिया था और वो पानी आपने पिया नहीं बल्कि फेंक दिया, ये कह के कि हम छोटे लोग हैं, अगर आप हमारे हाथ का पानी पियोगे तो आप गंदे हो जाओगे, यही कह रही थी ना आप उससे। और ये पैसे
ये पैसे तो मैंने ही आपको दिए थे। जब आपने मुझसे पैसे लिए तब आपके हाथ गंदे नहीं हुए, क्योंकि आपको लालच था ना, इसलिए। मैडम आप क्या चाहती हो, कि हम जैसे छोटे लोग पढ़े लिखे ना आगे ना बढ़े? मैडम पढ़ाई पर सबका हक होता है। जब आप जैसे लोग हमको छोटी जाति का कह के बुलाते हो ना, हमको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। खैर कोई बात नहीं, और हाँ आपको खांसी है ना, दवाई ले लीजिएगा।